इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट से बनने वाली कलाकंद मिठाई की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ना ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, और जिसने कभी मिठाई ना भी बनाई हो ना उससे भी ये मिठाई बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ना ये रेसिपी अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना 20-25 हमने काजू ले लेने हैं, और साथ ही साथ हमने ले लेनी चीनी। तो चीनी हमने ले लिया आधा कप, आधा कप कटोरी, जिस भी माप के साथ आप चीज़ को बनाना चाहते हो ना, कम ज़्यादा, तो उसी हिसाब से ले लीजिए। तो ये मैंने कप ले लिया, तो आधे कप हमने डाल दी चीनी, और दो इलायची, और साथ ही साथ ना मैं इसके अंदर मिला रही हूँ 2 चम्मच मगज के। अगर आपको मगज अच्छे नहीं लगते तो इसकी जगह आप बादाम डाल सकते हो, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है, कईयों को पसंद नहीं भी आता, तो आप बादाम डाल लीजिए और इस तरह से पीस लीजिए इन्हें। इस तरह से हमने पाउडर ये तैयार कर लिया। अभी हमने ये थोड़ा बड़ा जार ले लिया, इस मिक्सर को ना इसमें डाल दिया। साथ ही साथ हमने ना ये ले लिया पनीर, उसी कप से कप भर के हमने पनीर ले लिया। तो 2 कप पनीर के हमें चाहिए, तो ये मैश किया हुआ पनीर है, तो मार्केट वाला भी ले सकते हो, ये मैंने घर में बनाया हुआ। अभी 2 कप पनीर डाल दिया, साथ ही साथ उसी कप से आधा कप हमने उबला हुआ ठंडा दूध वो भी डाल दिया। ठंडा हो जा, गर्म हो, उबला होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ना 4 से 5 चम्मच डाल देना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी हो सकता है, डेरी वाइटनर या स्कीम्ड मिल्क। इन सब को हमने फिर से मिक्सी में चला लिया, और इस तरह से ये लिक्विड सा बन गया, जिस तरह शेक होता ना उस तरह से, इस तरह से बना लिया हमने। अभी ये एक ट्रे ले लिया, तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो इस तरह से मैंने एक जो पॉलीथीन है ना उसको काट के ये लगा दिया, और ऊपर से लगा दिया घी। अभी ये सारा मिश्रण हम इस कढ़ाई में डालने वाले हैं। गैस हमने ऑन कर दी है, और अभी हमने ना मीडियम गैस पे इसे पकाना है। तो बहुत ही झटपट से ये बन जाती है रेसिपी, और ना हमने ना इसे 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है, वरना सारा मिश्रण कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो आप चलाते ही रहें इस तरह से, और धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देख लीजिए अभी ना ये इकट्ठा भी होने लग पड़ा है। थोड़ा सा और पकाते हैं ऐसे, तो बहुत ज़्यादा ना हमें ड्राई वाला इसको तैयार नहीं करना, तो थोड़ा सा ना इस तरह से ही रहने देना है, लेकिन थोड़ा सा अभी पकने में कमी है, थोड़ा सा पका लेते हैं, और ज़्यादा ड्राई नहीं करना, आपको पता चल जाएगा आगे। तो जब ये इस तरह से कढ़ाई को छोड़ने लग जाए ना, तो ये इकट्ठा हो रहा अभी इस तरह, देखिए। तो बस अभी इतना ही पकाना, हमने गैस कर दी बंद, हल्का सा चला लेते ऐसे गैस बंद करके ही, कि थोड़ा सा हल्का सा जो ठंडा हो जाए इस तरह से। तो बस अभी इसे हम ट्रे में डाल देते हैं, तो इसीलिए हमने ट्रे पहले की सेट करके रखी हुई थी, तो ये तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए, ट्रे वगैरह। अभी ये देख लीजिए इस तरह से इसको हमने सेट कर दिया अच्छे से, और इसे अच्छे से ठंडा होने देना हमने। तो अभी जो ठंडा हो चुका है, इस तरह से हल्के हल्के से किनारे अलग कर लीजिए, और इसे किसी प्लेट में उल्टा कर दीजिए ट्रे को इस तरह से, बड़ी आसानी से ये निकल आता है। अब इसे फिर से हमने सीधा कर लेना है इस तरह से, और अभी अपनी मनपसंद इसके पीसेस कर लीजिए। तो मैं तो इस तरह से ही पीसेस कर रही हूँ इसके, आपको जैसे भी अच्छे लगे ना वैसे आप इसके पीसेस कर सकते हो। तो अभी ना हल्का सा इसे सजा भी देते हैं। तो ये मैंने बादाम और काजू इस तरह से दरदरे किए हुए थे, 1 चम्मच उबला हुआ दूध डाला, हल्का सा कलर डाल दिया, फूड कलर, येलो फूड कलर। तो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो सिंपल ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हो बारीक काट के। तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ा बहुत सजा दिया। तो एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, ट्राई ज़रूर करें, झटपट से बन जाएगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।